हेलो वेलकम टू सिनेमा दिल से, आई एम सचिन। तो फाइनली मैंने देख ली है चुप, और इस मूवी को देख के मैं बिल्कुल ही चुप हूँ, क्योंकि मूवी का कॉन्सेप्ट इतना ही अलग है, इतना अलग है कि आप सोच भी नहीं सकते कि मूवी किस टाइप की बनी है। तो आइए रिव्यू करते हैं मूवी चुप का। तो आज से 60-70 साल पहले मूवी आई थी कागज के फूल, जिसको क्रिटिक्स लोगों ने फ्लॉप कर दिया गया था, बहुत बुरा भला कहा था और उसको फ्लॉप कर दिया गया था। उस टाइम पे क्रिटिक्स लोग की बात बहुत ज्यादा मानी जाती थी, अगर उन्होंने फ्लॉप कह दिया तो वो फ्लॉप मानी चली जाती थी। तो ऐसे ही कागज के फूल को फ्लॉप कर दिया गया था। तो उसी बेस पे आधारित ये मूवी बनी है, जिसमें कि एक किलर है जो सारे क्रिटिक्स को मारे जा रहा है, जो मूवीज के बारे में गलत गलत कहता है या बहुत बुरा कहता है, तो उन क्रिटिक्स को वो मार देता है। अचानक से एक के बाद एक क्रिटिक्स लोग की मर्डर्स होने लग जाते हैं और बहुत ही ज्यादा खून खराबा होने लग जाता है। इसी खून खराबे को रोकने के लिए आते हैं हमारे सनी देओल जी। सनी देओल मूवी में एक पुलिस वाले का किरदार निभा रहे हैं, जो इस गुत्थी को सुलझाने में लगे पड़े हैं कि ये आखिर ये मर्डर है कौन और ये क्यों कर रहा है। कहानी का फोकस कुछ इस तरीके से डाला गया है कि मूवीज के जो भी क्रिटिक्स होते हैं, जो रिव्यूज देते हैं, ये उनको भी मारा जाता है। तो कहानी कुछ इसके दायरे में घूमती है और इसमें सनी देओल एक पुलिस वाले का काम कर रहे हैं। तो 2 घंटे कुछ मिनट की ये मूवी है, जिसमें कि पहला हाफ भी अच्छा है एंड सेकेंड हाफ बहुत ज्यादा अच्छा है, पर इतना कुछ सरप्राइज या इतना कुछ सस्पेंस देखने को आपको नहीं मिलेगा। सस्पेंस है पर वो इतना ज्यादा नहीं है, मतलब आपको धीरे धीरे पता ही चल जाएगा कि मर्डर कौन कर रहा है। एक्चुअल में इसको इतना सस्पेंस नहीं दिखाया गया है, क्योंकि जो डायरेक्टर है वह बताना चाहते हैं, वो मूवी को समझाना चाहते हैं कि मूवी एक्चुअल में क्या है, क्या दिखाना चाह रही है और किस चीज के बारे में बताना चाह रही है। इसका सीधा सीधा मुद्दा यह है कि कोई भी क्रिटिक्स या कोई भी रिव्यू देने वाला मूवीज को पहले देखे, अच्छी तरीके से पता करे, तभी उसके बारे में बताए कि एक्चुअल में मूवी है कैसी। तो कहानी कुछ इस तरीके से है। और मूवीज की मैं परफॉर्मेंस की बात करें तो दुलकर सलमान का काम बहुत ज्यादा अच्छा है, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, एंडिंग में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मतलब बंदे ने पहली मूवी सीताराम करी, सेकंड मूवी ये चुप जैसी मूवी को स्क्रिप्ट लिया, तो उनकी चॉइस बहुत अच्छी है अभी मूवीज के मामले में। सेकंड है सनी देओल, उनका काम बहुत बेस्ट है, काफी दिनों बाद वह बड़े पर्दे पे दिखाई दिए हैं। हाँ, कुछ वैसा एक्शन उनकी तरफ से देखने को नहीं मिला है, थोड़ा मिसिंग हुआ एक्शन में सनी देओल को, या कुछ ऐसे भारी भरकम डायलॉग सुनने को नहीं मिले हैं सनी देओल की तरफ से, बट सनी देओल का काम बहुत अच्छा है। मूवी में बहुत सारे मर्डर्स है, तो मूवी में बीच में रोमांस भी है, श्रिया धन्वंतरी द्वारा और दुलकर सलमान द्वारा जो बीच में रोमांस दिखाया गया है, वह भी मूवी में बहुत अच्छा लगता है। मूवी में बैकग्राउंड म्यूजिक जो मर्डर्स के केस में आते हैं, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे दिए गए हैं, मतलब वो सुनने में एकदम डरावने भी लगेंगे और मजा भी आएगा उसको सुनने में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है आर बाल्की ने, जिन्होंने बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया है और मूवी पकड़ के रखती है। जो भी स्टोरी है, स्क्रीन प्ले है, वो आपको पकड़ के रखती है। सॉन्ग्स अच्छे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा है और परफॉर्मेंस तो लाजवाब है। तो आप इस हफ्ते एक बेटर मूवी देख सकते हैं। अगर आपको कुछ नया देखना है, मूवी में कुछ हटके देखना है, तो चुप जैसी मूवी आप बिल्कुल देख सकते हैं, जिसमें सबका काम बहुत बेहतर है। तो बॉलीवुड में कुछ नया हटके आया है, कुछ नई हटके स्टोरी आई है, तो जाइए और चुप को देखिए और आपको कैसी लगी आप जरूर बताइए। वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और ऐसे ही देखते रहे हमारा चैनल सिनेमा दिल से। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।